नमस्कार, गुड मॉर्निंग दोस्तों, क्या हालचाल है आपके। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और हम भी एकदम बढ़िया से हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपको मैंने हंड्रोली स्कूल का ब्लॉग दिखाया और ये आज का ही ब्लॉग है। ब्लॉग बड़ा हो रहा था इसलिए मैंने इसको दो भागों में कन्वर्ट कर दिया है। तो आज की यात्रा यहाँ से शुरू हो रही है, देख रहे हो दिखा है, हंड्रोली 2 किलोमीटर, बमेड़ी सैंड 3 किलोमीटर और अकोला 6 किलोमीटर। तो इसी रास्ते पे है हम और मैं जा रहा हूँ अपने पर्सनल वर्क से, अपने एक बचपन के दोस्त को उसकी दुख की घड़ी में मिलने के लिए, तो वहीं जा रहा हूँ मैं। तो चलो आपको भी ले चलता हूँ इस रास्ते पे और बताता हूँ इन रास्ते और इन गांव की विशेषताएं और हकीकत आप लोगों के साथ। दोस्तों ये है सड़क का मार्ग और इसी रास्ते से मैं होते हुए जा रहा हूँ। अगर आप मेरे चैनल को बहुत टाइम से फॉलो करते हो तो मैंने एक वीडियो काफ़ी पहले इस रास्ते की बनाई है, मतलब इन गांव की बनाई है। उस दिन मैं नीचे वाले शॉर्टकट रास्ते से गया था महेली, जब मैं जा रहा था अपनी भांजी की शादी में, तो मैंने 2-3 ब्लॉग बनाए थे रास्ते में। लेकिन आज मैंने रास्ता चेंज किया और आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ, इसीलिए मैं इस लंबे रोड से होते हुए आज जा रहा हूँ। यह है रोड का रास्ता और ये रोड जो है धुमाकोट से आती है और अपोला सिरा तक, शायद अभी वहीं तक बनी है, वहाँ तक भी गई है। तो रोड की कंडीशन तो बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग खाली पहाड़ रोड सर्च करो, आपको पता चल जाएगा रोडों की यहाँ क्या कंडीशन है। बहुत सारे ब्लॉग में मैं बता चुका हूँ लेकिन आपको खुद ही पता होगा पहाड़ों में रोड की क्या कंडीशन होती है। एरिया की अगर मैं बात करूँ तो पूरा जंगल का एरिया है, ठीक है। ऊपर ये रोड हुई और ये ऊपर ये रोड आ गई और ये नीचे, तो ऊपर नीचे दाएं और बाएं चारों तरफ आपको जंगली जंगल दिखाई देगी। लगभग 99% पेड़ यहाँ साल के मिलेंगे और कुछ पेड़ आपको चीड़ के और अन्य वैरायटी के भी दिख जाएंगे, बांझ, कापल, आंवला, इस प्रकार के कंदमूल फलों में जो आते हैं। इस एरिया के नाम की अगर मैं बात करूं तो ये है अंदरौली का एरिया और इसी के नाम पे हमारा स्कूल का नाम भी पड़ा है, जनता इंटर कॉलेज अंदरौली, जिसका ब्लॉग आप देख ही चुके हो। अगर देखा नहीं है तो लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, जाके देख लो। तो दोस्तों ये पूरा का पूरा अंदरौली का जंगल है। आसपास के अगर मैं गाँव की बात करूँ तो अंदरौली, बमेड़ी, कैप गांव, कुछ इस प्रकार के 2-3 गांव यहाँ लगभग आपस में मिले हुए हैं और शायद इन्हीं 2-3 गांव का ये पूरा मिक्स जंगल भी होगा जहाँ तक मेरा अनुमान है। इन जंगलों में अगर जंगली जानवरों की मैं बात करूँ तो मात्रा तो ज़्यादा नहीं है, लेकिन बहुत कम मात्रा है, लेकिन जंगली जानवर भी इन जंगलों में है, जैसे कि जंगली बकरियां, जैसे सुअर, बाघ, जंगली मुर्गी, मुर्गियां, कुछ इसी प्रकार के जानवर यहां आमूमन पाए जाते हैं इन जंगलों में। और अब तो घर गांव में ये मवेशियों का बिजनेस बहुत कम हो चुका है, लेकिन पहले जब हुआ करता था, पशुपालन में लोग जब ज़्यादा निवेश करते थे, ज़्यादा ध्यान देते थे। ये देख रहे हो नीचे बंदर भी है उन पेड़ों में, तो बंदर तो खैर आमूमन हर जगह आपको देखने को मिली जाएंगे, जंगलों में तो बंदर अब दिखाई नहीं देते, अक्सर गाँव में लोगों के घरों में ही रहते हैं, देख रहे हो। तो मैं बात कर रहा था कि जब लोगों के पास पशुपालन में लोगों का रुचि था, उस टाइम यहाँ लोग अगल बगल के गांव वाले अपने पशुओं को चराने के लिए लाते थे,
लेकिन जैसे ही पशुओं की मात्रा कम हुई तो ऑब्वियसली इन जंगलों में पशु भी नहीं आते किसी के। ये है अंदरौली का इलाका, ये खेतीबाड़ी देख रहे हो, पूरा बंजर पड़ा हुआ है और ये हाल तो पूरा गढ़वाल का है, खाली इस गांव का नहीं है। दोस्तों हल्के हल्के कदमों से और आपके साथ बात करते करते मैं पहुंच चुका हूं अंदरौली में और ये देख रहे हो एक गांव, ये है अंदरौली। कुछ गौशालाएं दिख रही हैं यहाँ से, कुछ घर भी दिख रहे हैं और जो ये उस साइड में घर दिख रहे हैं ये है थेब गांव के, ये थेब गांव के हैं और ये जो इस साइड में घर दिख रहे हैं ये है बमेड़ी के घर ये वाले, और इधर जो इस साइड में है इसमें ये है अंदरौली के। तो कुछ इसी तरह से मिलजुल के रहते हैं ये दो तीन गांव, और वो ऊपर स्कूल है बमेड़ी की, ठीक है। एरिया की अगर मैं बात करूं और गांव की बात करूं तो क्षेत्रफल की दृष्टि में छोटे छोटे गांव हैं ये, और ये गांव भी जो है पलायन की मार झेल रहे हैं, जबकि इन गांवों के लिए रोड की सुविधा भी आ चुकी है। ये देख रहे हो रोड, सामने सामने रोड है, फिर भी यहाँ पलायन को नहीं रोक पा रही है गवर्नमेंट। अब उसकी मुख्य रीजन क्या है, मेरी पर्सनल सोच में तो पलायन का मुख्य रीजन पहाड़ के युवा की बदलती सोच ही है, और तो मुझे कोई दूसरा रीजन नहीं दिखाई देता। आप लोग क्या सोचते हो इस बारे में जरूर कमेंट्स बॉक्स में लिखें। पहले भी एक बार मैंने आप लोगों के साथ बात की थी तो कुछ भाइयों ने मेरे को बताया था कि पलायन की जो समस्या है पहाड़ों में बेरोजगारी, स्वास्थ्य और शिक्षा के कारण हुई है, लेकिन जहाँ तक मेरी सोच है मुझे इन तीनों कारणों में से कोई भी कारण परफेक्ट नहीं लगा पलायन के लिए। और जो मेरी समझ में जो पलायन का मुख्य कारण है वो यही है, हम पहाड़ी युवाओं की सोच गलत दिशा में जा रही है, और यही मुझे पलायन का सबसे बड़ा कारण लगा। घट घट के पानी की अगर मैं बात करूं तो आप देख सकते हो यहाँ पानी की व्यवस्था भी कुछ इस प्रकार से बनी रहती है। नीचे मैं आपको दिखाऊंगा जूम करके, ये देख रहे हो इस प्रकार के प्राकृतिक स्रोत यहाँ नेचुरल रूप में पाए जाते हैं, जिनको कि गांव वाले थोड़ा रेख देख करके और उन पे थोड़ा उनको सुविधाजनक बना के यूज करते हैं। इन कड़ाके की धूप और सर्दियों में तो यही एरिया है अंदरौली का। और दोस्तों इस एरिया की अगर मैं बात करूं तो आप खुद देख सकते हो, गहरी गहरी घाटियों से घिरा मेरा ये प्यारा गढ़वाल। दोस्तों इसी सफर में हमको मिल गया है ये है जंजीर का पेड़,
को बोलते हैं पहाड़ी भाषा में तिमला, और बहुत खाए होंगे आप लोगों में से किसी ने बचपन में। देख रहे हो कितने सारे आ गए। और जब एक दिन ब्लॉग में मैंने इसका नाम हिंदी में पूछा था, तो एक भाई ने कमेंट बॉक्स में लिखा था कि इसको हिंदी में जंजीर बोलते हैं। तो धन्यवाद भाई आपका, जिसने भी हमको बताया। हम तो इसको गढ़वाली भाषा में तिमला ही बोलते थे। और कुछ इसी प्रकार के फल पहाड़ों में आमूमन देखने को मिल जाते हैं, कंदमूल फल। और ये है बमेड़ी गांव की सरहद, और ये रास्ते भी बमेड़ी का ही है। देख रहे हो कुछ इस प्रकार के, जबकि ये मेन रास्ते हैं। और झाड़ियों से जो है किस तरह से बंद हो गए हैं, क्योंकि पलायन की समस्या हर जगह है, आदमी बहुत कम है। और अगल बगल में आप देख सकते हो सारी खेती बांझ है, सारी खेती में लोगों ने छोड़ दी है। तो खेती के दम पे ये रास्ते भी चलते थे, क्योंकि खेती में जब आदमी कुछ करता था तभी इन रास्तों पे भी अक्सर चला करते थे। बट जब खेती पूरी बंद हो गई है तो ये रास्ते भी ऑटोमेटिकली बंद हो चुके हैं। और ये सामने जो पेड़ है, ये है काफल का पेड़। इसका सीजन आने वाला है, तब तक अगर पहाड़ों में रहें तो आप लोगों तक इसके बहुत सारे ब्लॉग में लाऊंगा। बहुत ही स्वादिष्ट फल होता है हमारे पहाड़ी जंगलों में, जिसका नाम है काफल। खेती बाड़ी यहाँ भी लोगों ने बिल्कुल बंद कर दी है करना, देख सकते हो। ठीक है, और कुछ इस प्रकार से दिखता है बमेड़ी गांव। चुके हम बमेड़ी सैंड से एक बार फिर से यहाँ पे। ये दुकान का ब्लॉग आपने देख लिया होगा, उसके बाद ये ब्लॉग आप तक पहुँचेगा। तो यहाँ पे पहुँच चुके हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज मैंने जो कुछ भी दिखाया वहाँ, एरिया, गांव, रास्ते, रोड और जंगल, विशेषकर यही सब आपने देखा। थोड़े बहुत कंदमूल फलों के बारे में मैंने बताया। अच्छा लगा हो, और अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें। चैनल में नए आते हो तो यार सब्सक्राइब करो। मेरा मूड थक गया बोल बोल के। अभी भी आप स्क्रीन शॉट डाल दूँगा मैं, आप देख सकते हो 65% लोग खाली वीडियो देखते हैं, सब्सक्राइब करके नहीं जाते हैं, जो भी नया आता है चैनल पे। और जितने लोग पुराने हो आप जुड़े हो तो ऐसे ही प्यार देते रहो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट ब्लॉग में। भगवान करे आपका दिन शुभ हो। बाय बाय दगड़ियों।